अरे भाई दादी या फंस गया मैं तो, मैं दोनों साइड से फंस गया यार। ये भाई इतने बड़े बुलीज हैं। हे फेलोज, बीस्ट बॉय हियर एंड वेलकम। आज हम सभी लोग मिलके जाने वाले हैं हमारे दादा दादी से मिलने। बहुत टाइम हो गया। हमारे ओल्ड फेलोज से भी मिलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो जी हाँ, आज हम लोग खेल रहे हैं ग्रैनी थ्री। कुछ नए ट्रैप्स, एक नया घर, एक नई जगह और एक और सुहाना दिन। नहीं, ये हॉरर गेम है, यहाँ पे सुहाने दिन नहीं होते, सिर्फ सैडनेस, डिप्रेशन, हॉरर। तो या हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हमारे क्यूट ओल्ड कपल से मिलने के लिए। हालांकि दादा दादी कुछ खास मूड में लग नहीं रहे मेरे से मिलने के लिए। हमारे दादा ने तो बंदूक ही पकड़ी हुई है, छाती में मारेगा मेरी। हाँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ ग्रैनी खेले, लेट्स गो। फिर से कैद कर रखा भाई, प्यार नाम की तो चीज ही नहीं है कोई इनके मन में। यार कैसल बना दिया, अब तो चोखे पैसे आ रहे तुम पे हैं। पेंशन वेंशन के पैसे जमा कर रहे हो तुम। कैमरा लगा रखा है वो भी लोहे का। देखो भाई दुनिया भर की बड़ी कैसल खड़ी कर दी। इलेक्ट्रॉनिक डोर, आई लाइक इट, आई एम इम्प्रेस्ड दादी जी। वेल, ये पहली दादी है जो जब इसके घर में कोई आता है तो खाना नहीं खिलाती, डंडा खिलाती है। और दादा ने तो, दादा को तो इन्होंने बंदूक ही पकड़ा दी इस बार। ले भाई तू बुड्ढे गोलियां चला। तेरे को रात को नहीं आना चाहिए था, मेन कैरेक्टर हमारे। आई सी यू। बोल दादी। वेलकम मैट लगा रखे वैसे तो। अबे इन्होंने तो गोली मार दी बे, ऐसे कौन इनवाइट करता है भाई। हेलो, ये कैसा वेलकम है? दैट्स नॉट वेरी नाइस। अबे गोली मार दी, मैं जिंदा बचा? ये पंप शॉटगन पॉइंट ब्लैंक पे कैसे सरवाइव कर गया भाई? ये पॉसिबल नहीं है। सरवाइव कैसे करा मैं? कैसल तो खरीद ली, इतने पैसे फिर भी जमा नहीं हुए कि पेंट वेंट ही करा ले। अबे टाइल वाइल ही लगवा लेते, गंदा सा घर। एक मिनट, चाबी चाहिए मेरे को। ये देखो भाई, दादी अपनी पिंस का ख्याल रखना चाहिए। दादाजी आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कर रहा। आई प्रॉमिस मैं अच्छा बच्चा बन रहा हूँ और यहीं पे खड़ा रहूंगा। चला गया दादा तो भाई, लेट्स गो। साल लगा रहा है भाई ये। चलो खुल गया। दादाजी आप में ब्रेन है? यहीं था ना वो। ओ माय गॉड भाई, ये बच्चों को किडनैप करते रहते हैं, पेडोफाइल्स हैं दोनों के दोनों हरामखोर। मैं इसको भी पिक लॉक कर सकता हूँ। इसके हाथ में कुछ मिलेगा क्या मेरे को? स्केलेटन के हाथ में, अगल बगल से दादा ना आ जाए। सर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मेरे को। हेलो। ये बंदा तो भाई बीमार पड़ा है। चलो भाई। सो, इसमें हमें मिलने वाले हैं या कुछ नई जगहें, कुछ नए ट्रैप्स और दुनिया भर की पजल्स। आई होप मेरे को सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। इसमें स्लेंडरीना भी है, वो क्या बीच बीच में आके डराएगी? वो तो लिटरली गोस्ट है ना, इट डजंट वर्क। अबे दुनिया भर का पैसा लगा दिया, आधी चीज़ें फिर भी काम नहीं करती इनके घर में। स्लेंडरीना आएगी धप्पा करने, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं सकती मेरा। आई नीड ए कॉइन, सिक्का चाहिए मुझे। घर से निकल रहा था तो पैसे लेके चलने थे, तभी कहती हैं मम्मियाँ कि एक्स्ट्रा पैसे लेके रखने चाहिए हमेशा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अबे ये What? इन चीज़ों पे पैसे लगा दिए दादी ने हैं, लेकिन एक बटन ठीक नहीं करवा सकती। ये दीवारें ठीक करवा भाई, तेरी दीवारें टूट रही हैं, रोबोट्स खरीद रही है बताओ। तो आई थिंक इसने दादा दादी को कॉल किया है इस रोबोट ने। आई नीड अ क्रोबार। ओके दादी, आई एम सॉरी। अरे मेरे पास ये सेफ्टी पिन थी, मैं यही चुभा देता दादी के, वो उई उई करके भाग जाती फिर। बुड्ढी तो है, स्किन तो इनकी वैसी हो जाती है ना बुढ़ापे में। इतने गवार हैं, उसी जगह बंद कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि भाई ये कैसे निकला, इसके पास पिन विन हो सकती है। नहीं, दिमाग तो है ही नहीं, बुढ़े हो चुके ना ये बवड़ाट लोग। ये भी बंद कर दिया। अबे इसके बंद करने का क्या फायदा, वो तो मर चुका। अरे इतने गवार लोग, पूछो मत भाई। हेलो दादी, दे बोरी घूमने लग रही है। ये देखो भाई, वॉलपेपर्स चिपकवा रखे हैं, लेकिन ये अजीब ही है इनका भी भाई। ये बुड्ढों का स्टाइल ही समझ में नहीं आता मेरे को। बुलेट्स, आई नीड ए शॉटगन। दादा की गुद्दी चटकानी पड़ेगी। अरे दादी आ रही है, भागो। दादी मैं अंदर हूँ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी। आ भी रही है वो। ए सीढ़ियों पे तो ना गिर गई तू? कभी यार लुढ़क वुढ़क गई हो? पता ना भाई उसका, ऐसी है वो। अरे हंस रही है,
दांत तोड़ दूंगा तेरे, ज्यादा फन्ने खा बनेगी। व्हाट, कैसे ट्रैप, आवाज कैसी आई? अच्छा ट्रैप डाल रही है, देख ट्रैप भी सही से डालना नहीं आता, ये टेढ़ा डाला है तूने, एक गवार। तो इस रोबोट ने मेरे को देख लिया, फिर से शोर मचाने लग गया। तो आई गेस मेरा नीचे अभी कोई काम नहीं है, मेरे को ये रोबोट को ऑफ करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे वेट करते हैं, दादी नीचे जाएगी फिर हम ऊपर जाके चौड़ में घूमेंगे। सॉरी दादा, और कितनी बार भी मर लो उसी जगह बंद करेंगे और मेरे से पिन भी नहीं लेंगे। तो मेरे पास एक प्लान है, मैं इस इसके लिए मेरे को क्रोबार या स्क्रू ड्राइवर चाहिए क्या? अंदर से खुलेगा मे बी ये। तो मैं रोबोट के पास आता हूँ, ये मेरे को देखेगा, आवाज़ करेगा, उस रूम में चले जाते हैं। अभी मत आना प्लीज। बस अभी दादी रोबोट चेक करने जाएगी, हम लोग ऊपर निकल लेंगे। ये गया दादा, दादी कहाँ रहेगी? अरे अपनी वाइफ को भी ले आता। आर्या आर्या स्लेंडरीना एक गोस्ट है भाई, उसने मेरे को कैसे पकड़ लिया? आर पार हो जाती है वो तो वो यहाँ पे आई, क्या वो कहीं भी आ सकती है? सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ पेडेस्टल। हाँ भाई इस रूम में तो नहीं छुप सकते फिर, लेट्स सी, थोड़ा ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। अरे किसने यार, ये दादी ने तो भाई जी ने आराम कर रखा है, थोड़ा सा घूमने दे, घर देख रहा हूँ बस। अरे घर देख रहा हूँ दादी मैं बस, शॉटगन बुलेट्स तो इतनी पड़ी है, दादा को परवाह ही नहीं है। आ रही है क्या वो? अरे आ रही है ड्रमी। हाँ भाई क्या सीन है? पटाखा। दादी दिवाली पे करते हैं ये सब। ओहो ओहो स्वैग देखो हमारे अरे बेटे, ये तो बड़ी एंडिंग बना रखी भाई, स्वैग ही अलग है। ग्रैंडपा यू आर माय इंस्पिरेशन, अगर कूल बनो तो हमारे ग्रैंडपा जैसा बनो, वरना ना बनो। मैं हमारे ग्रैंडपा को वैसे ही सटियाया हुआ समझता था, बट नहीं भाई, उसका तो स्वैग ही अलग है यार, सेक्सीनेस देखी हमारी ग्रैंडपा की। ओके तो अभी थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, इसमें तो स्लेंडरीना आती है, इसे बंद कर दो। उसके लिए मेरे को मे बी कोई सामान वगैरह चाहिए, क्रोबार ये सब मुझे इधर ही छुपे हुए मिलेंगे मे बी। हाँ इसमें मैं छुप सकता हूँ ना इस, ओ मे बी मेरे को यहीं पर छुपना चाहिए, ये आवाज़ करेगा, मैं यहाँ जाऊँगा। यार इसका तो कुछ यार सीन ही समझ नहीं आ रहा भाई, तेरा कौन सा बटन है, क्या दबाऊं मैं ऑफ करने के लिए? अरे इट डजंट मेक सेंस, वो कहीं भी टपक जाएगी क्या? मेरे छुपने का फायदा क्या हुआ? मेरे प्लान्स पे पानी फेर रही है वो, भूतपना फेर रही है, पानी तो छोड़ो। यहाँ पे क्या है? समथिंग इज मिसिंग हियर, मेरे को वो चाहिए मे बी। अरे तू तो चेप ही हो जाता है, हाँ ढीट है भाई, आते ही होंगे वो, मैं और कहीं जा भी नहीं सकता। अरे ये घंटियां और लगा रखी हैं, दादी भी स्मार्ट है। ले ओ ये क्या है, चाबी मिली मेरे को, वेट ये तो मैं क्लच कर सकता हूँ इजीली। हाँ यहाँ पे मैं सेफ हूँ, उनकी कमर टूट जाएगी ना अगर वो झुकेंगे तो। क्या यार ये स्लेंडरीना का सीन समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को, मैं इतना अट्रैक्टिव लग रहा हूँ क्या इसे? है दो मिनट का चैन लेने दे, एक मिनट इस स्लेंडरीना को ऑफ कर देते हैं, ये चैन नहीं लेने देगी वरना। पहले हम अपने दादा दादी से ही निपट ले, उनकी लड़की या पता नहीं ग्रैंड डॉटर है वो परेशान कर रही है, बताओ। ओके तो अभी बहुत इजी है, अभी तो मेरे को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पे ये दोनों ऊपर कर देता हूँ, एंड देन उधर चलते हैं। अरे इस बार तो की भी नहीं है यार, लेट्स गो हेयर। अरे भाई ये फोटो तो जब ही गिर जाए मेरे से। एक तो ये क्या दुकान वुकान खोल रहे थे क्या तुम लोग? ये सही से चली नहीं होगी, हैं कर्जे में डूब गए, पेंशन तो आ ही रही है, सरकार का पैसा खा रहे हो दोनों के दोनों बुड्ढे। तो एक बंदा वहाँ है, एक ऊपर होगा, ये जने भी तो दो हैं ना। अरे अरे ऐसी की तैसी, पर जो हमारा बुड्ढा है ना वो एक्चुअली ठीक है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता ना, उसके कान खराब है। वो दादी आके पेल तो नहीं देगी भाई, मैं अपने यहीं पर बैठा हूँ। देर इज नो वे राइट नहीं, क्यों आ रही है तू? मैं अपनी जगह पे हूं। ये कह रही है मेरा ट्रैप बजा तो तेरे को बजाऊंगी मैं, नो मैटर तू कहां पे है। अरे यहां पे अभी कुछ है, वेट
ये मेरे को चाबी लग रही है, इतनी बड़ी। व्हाट इज दिस? एन एक्सेलरेटर। तेरे में कहीं लगता है भाई ये तेरे को चुप कराने के लिए? नहीं, रोबोट को चेक करने तो दोनों ही जने आते हैं ना। या यही टाइम है मेरा निकलने का, लेट्स गो। अभी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे ऊपर आराम से। अपने को बेसिकली चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतना ज़्यादा समझ में आएगा। दादा दादी ने टीवी वीवी सेट कर रखा है भाई, बढ़िया। अरे फ्लोर क्रैक हो गई भाई। वही तो मैं बाहर आ गया, सीधा ना निकल जाऊँ। दादा के पास गोली है बेटा, भर देगा वो। ब्रिज क्रैंक चाहिए। अरे वो पानी है क्या ये? इसमें बुलेट्स हैं पीछे। व्हाट इज दिस? फायरवुड। अरे ब्रिज प्लैंक तो वो रहा, वो ग्रैंडपा आई थिंक रात को पहरा मारता होगा यहाँ पे। ओ यहाँ पे कुछ है, वेट, ये पानी है क्या? नहीं। व्हाट इज दिस? अ कॉइन। इससे मैं नहीं, स्टोन है ये। स्टोन क्या, उसकी आंख फोड़ूंगा क्या मैं? फेंक के इसे दादी की। यहाँ पे क्या है? शेड की। अभी तो चीज़ें ही पता लग रही हैं, एक एक करके पता चलेगा। अच्छा इससे मैं उन्हें पागल बना सकता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई है? नहीं, थैंक यू। इधर देख लेते हैं फटाफट क्या है। कुछ कुछ भी नहीं है। ओ वेट, इसमें क्या है? अच्छा ये ऊपर जाने के लिए है। ये मेरे लिए स्पेशली बनवाया है दादी, क्योंकि तुम तो झुक नहीं सकते, तुम दोनों तो बुढ़े हो, तुम्हारी कमर टूट जाएगी झुकोगे तो। अ बैरल फुल ऑफ वाटर। ओह व्हाट इज दिस? वेपन की। वेरी नाइस। इधर तो कोई रास्ता नहीं है ना, इधर से नहीं आ सकता। अरे मर गया रे। ओ सॉरी दादाजी। ओ प्यास की बार आंदे, गोली चलाएगा बालक पे, तेरे रैप्टे इतने मारूंगा। वो तो फेस पे मार रहा है यार, पंप शॉट कर ले रहा है, तू थोड़ा रहम कर ले बुड्ढे। भाई हमारे दादा तो सैवेज है भाई, वो ना छोड़ा है, वो तो चटका देगा हमारी गर्दन भाई, उससे तो बच के रहना पड़ेगा। अबे खराटे ले रहा है, सो गया क्या वो? अरे मर गया रे, थोड़ा तो चैन लेन दे दादी। आर नाइस, क्लच मार दिया भाई, बची गया मैं। अरे अपने पति को देख, उसके खराटे बंद हो गए, पता चले टपक गया वो नींद में, हंस रही है। यार ये दादा भी आ गया, तो वो ऊपर सोता है, खराटे आएंगे तो इसका मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे है। वो भी जा रहा है, वेट, ऊपर चलते हैं, यही मौका है। आई थिंक दादी ऊपर नहीं गई। इसमें कुछ है? व्हाट इज दिस? अरे भाई मैंने क्यों करा ये, दोनों आएंगे भगे भगे। वाओ भाई ये तो बहुत बड़ी गया है जगह। अल्लाह भाई फ्लश और कर दो। शुभम बहुत बढ़िया भाई, स्मार्ट खेल गया तू तो। मर गया मैं। इधर इधर जल्दी। तो ये आवाजें सिर्फ दादी सुन सकती है, दादा तो हमारा बहरा ही है। आई थिंक जो मैंने ले रखा है वो। अरे मर गया रे, गलत टाइम पे मैं। बैड एस। रहने दे बुड्ढे, बिना परमिशन के गेट खोलेगा, मारूंगा तमाचा अभी। सब ठीक है, भूल गया वो मेरे बारे में। याददाश्त कमजोर है बुड्ढे तेरी। जाके सो चल। ओके अभी तो बच गया फिलहाल मैं। यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। ओ यहाँ पे ये क्या है? आई नीड अ सेफ की। ओके वेट, ऐसे छुप के कुछ नहीं होगा, मेरे को जाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। कितने सारे रूम्स हैं, डाइनिंग टेबल लगा रखा है भाई, इतने सारे लोग हैं, फालतू का डाइनिंग टेबल बनाया है इन्होंने भी। किसको इनवाइट करोगे तुम लोग? एक मिनट, बटन दबाओ। देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो मे बी ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर है। दैट्स नाइस कि मैं टेबल के नीचे ऐसे जा सकता हूँ, उनसे बचने के लिए अच्छा है ये। आई थिंक मैं यहाँ भी छुप सकता हूँ। है क्या चीज़ ये? वो आई नीड फायर वुड। अच्छा अरे मर गया रे, दादा आ गया भाई, भागो, छुप जाओ नीचे। दादा वैसे एक बात बता, तुम्हारा मीटर कहाँ लग रहा है यार? तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दूंगा मैं, थैंक यू बोलोगे तुम लोग मेरे को और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अब इनका मीटर ढूंढते रहो, बताओ भाई। आजकल तो बाहर लगा मैं, बाहर ही होएगा। मेरे राइट साइड से आवाज़ आ रही है, गया क्या दादा? अरे यार इसने तो कती जान खा ली, चला जाना भाई। इस टेबल के यहाँ से इसकी टांग पकड़ के खींच ले और इसकी गन ले ले। उधर जा रहा है, दादी भी आ रही है क्या ऊपर? साउंड तो आ रही है, निकल लेते हैं भाई, यही मौका है। अरे यार इन्होंने तो भाई पागल ही कर दिया बिल्कुल ही, चैन ना लेते रे। ये इस दादा की बंदूक मिलने से बढ़िया तो ये दादी का डंडा मिल जा, इतने सटा ही सट मारूंगा ना इन दोनों के।
सारी हड्डियां टूट जाएंगी। गए के परेशान ही कर रखा है, ऊपर गया दिखा है वो। अरे यार ये फ्लोर क्रीकिंग भाई। अरे इधर कुछ है नहीं। अरे मीटर कहाँ है तुम्हारा? आई नीड अ वेपन की, इसमें वेपन है। इधर ही तो नहीं आ रहा ना, ऊपर गया वो, सोएगा आई थिंक। मेरे को नीचे जाना चाहिए मे बी। अरे डर गया मैं। दादी कहाँ है? दादी मीटर कहाँ है थारा? इनका घर ही इतना बड़ा है। एक तो भाई ये सब मैंने खोल के देख लिए ना, बंद कर दिया इन्होंने। बड़े बेकार लोग हैं भाई। ओ मे बी मेरे को इस स्टोन से ना उधर तो नहीं मारना था कि वो प्लैंक गिर जाए, या फिर मैं दादा दादी के मार सकता हूँ, मजा आ जाएगा। सर पे ही मारूंगा, दे के आँख वाँख फोड़ दूंगा, कहानी हो जाएगी। ओके तो मुझे नहीं लगता बाहर है इनका मीटर, पर मैं ये कर देता हूँ ताकि वो यहाँ से आए और मैं वहाँ से निकल जाऊँ। इधर से मत आ जाइयो दादी, मेरी किस्मत भी तो खराब है। हाँ भाई घर की एंट्री पे ही लगा रहा है, वैसे मीटर तो यहाँ कहीं है, कहीं भी ना है। ओ वेट ये क्या है? फ्यूज। ये कार के लिए तो नहीं है? अरे फ्लोर क्रैक हो गई। फ्यूज, ये फ्यूज में भी रोबोट के लिए हो सकता है, उसे बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा फ्यूज क्यों लगेगा, उसी का फ्यूज निकाल दो। ओ माय गॉड टाइमिंग, माय टाइमिंग भाई। नहीं गेट मत खोलियो चांटे। मैंने बोलता ना गेट मत खोलियो। अरे बदतमीज देखो कितना है। अरे तमीज ही नहीं है सर आपको। और पेल ही दिया भाई। बड़ा बदतमीज है यार, इसके सामने तो मैं बाथरूम में नहा भी नहीं सकता, जबी जबी गेट खोल के आ जाएगा अंदर। दादा को तो मेरी थोड़ी सी शर्ट भी दिख जाए तभी पित्तल भरने चालू कर देता है, रिलोड भी नहीं करता हरामखोर। इन्फिनाइट बुलेट्स हैं। गए क्या? थैंक यू। ये तार ही लेके घूम रहा हूँ यार, इनका मीटर ही नहीं। और दादा मर जा, बंद करो। ओ भाई साहब वो नमाना कती भी। ये एक्चुअली फ्यूज ले लेता हूँ एंड यू नो इधर उधर जाके देखते हैं, तभी पता चलेगा भाई सीन क्या है। आई डोंट थिंक कार में यूज होगा कहीं भी। वो रोबोट वोबोट का ही लफड़ा है। ये भी स्टोन है ना, ले लेते हैं। अरे यार किसने देखा मुझे? अरे भाई दादा ने देख लिया। अरे ये ट्रैप, और भाई मरा, दादा ना छोड़े मुझे। बेटा एक बार मेरे हाथ में वेपन आने दे, तेरे इतने इतने मारूंगा ना। नो आई हेट यू। हाइड एंड सीक खेलना है अपने बड़ों के साथ? खेल, मेरे को बुला रही है, बताओ। ओ वेट यहाँ पे क्या है? इट डजंट वर्क। ओ फ्यूज लग गया। अरे देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, यहीं पे लगाना है क्या मेरे को वो वायर सा? अरे भाई ऊपर कैसे चढ़ूं? ये क्या सीढ़ी है, ये क्या बनवाया है? डोंट टेल मी दादी यहाँ भी आ सकती है। अरे भाई गिरने का डर है यहाँ से तो। ओ दिस इज नाइस भाई, ये क्या है? अरे ले, मैं तो भाई पेट करने आया था, पर नहीं भाई पसंद ही नहीं है उसे। वेट यहाँ पे छेद है, दैट्स गुड। ओ प्लैंक, मे बी मेरे को प्लैंक यूज करना है। नीचे कूदना ही पड़ेगा। ये मैं ब्रिज पे लगा सकता हूँ मे बी। स्टोन और कैरी कर नहीं सकता, नहीं ये प्लैंक कहीं और ही लगाना है। इसे ऐसा करता हूँ मेन डोर पे गिरा देता हूँ, मेन डोर पे गिरा के। अरे वो ऊपर होंगे, पर मेरे को वो वायर लेना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ गिराया वो। ये रहा वायर, गिव मी दैट। यस अब ऊपर भागो फटाफट इससे पहले कि दादा आ जाए। अरे मर गया रे दादा, छोड़ दे। इसके तो एम बॉट भी तो है इसके पास। वेट मैं आ गया यहाँ पे, ये यहीं लगेगा क्या? नहीं भाई कोई सीन नहीं है यहाँ तो। अबे ये प्लैंक मेरे को मे भी यहाँ आए है। आवाज और हो गई यार, थोड़ा सा भी चैन ना है। ओए ये क्या है? मरा दादी तू मारने की नहीं, कूद उधर जा, उधर जा। हाँ अरे भाई आ रही है वो ना मरने आ रही है वो। आ मरा, नहीं ये भी बढ़िया क्लच कर दिया मैंने। दादा को भी देखा था तो।
अभी क्या धक्का, व्हाट डायनासोर है उसमें, मेरे को तो पता ही नहीं था। डायनासोर के मुंह में डालने वाले हो दादाजी, गोली मारने की क्या जरूरत है। क्रोकोडाइल, ट्रेन की नीचे है ट्रेन, ये तो मैंने देखा था। तो आई थिंक दो भागने के रास्ते हैं, एक ये ट्रेन या फिर मेन डोर, राइट। और अभी ट्रेन की लगाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं और ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, और मेरे को वो तीसरा स्विच भी ढूंढना पड़ेगा। अभी तो ये रोबोट है यही परेशान कर देगा मेरे को। सो व्हाट इज दिस कोकोनट, ये सर पे मारने के लिए। देयर इज समथिंग इनसाइड दिस कोकोनट, आई नो व्हाट टू डू। सही है, मेरे को एक कोकोनट यहीं पे मिल गया। वेट, ओह अ कॉइन, लेट्स गो। नहीं प्लीज, ओह माय गॉड, ये मिस भी तो नहीं करता, ही इज सच अ गेमर भाई। मेरा कॉइन तो यहीं पे ही होगा, राइट, ये रहा। देखते हैं भाई वो कॉइन क्या देगा हमें, कॉइन मशीन आई मीन। हियर इज द मशीन, व्हाट इज दिस, अ ट्रेन, यू नीड अ ट्रेन टिकट। वाह भाई, ट्रेन टिकट से होगा भी क्या, मेरे को एंट्री मिल जाएगी। इट डजंट वर्क, वही ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ पेडेस्टल, आई थिंक यहाँ पे मेरे को वो वास रखना है जो वास हमने ऊपर देखा था। ये दो तरीके के वास मिलेंगे मेरे को, एक ऐसी शेप का, एक उस शेप का। उस शेप का वास हमने देखा था ऊपर। वेपन की, ओ माई गॉड, लेट्स गो भाई। पता नहीं ये मैंने वेपन का वो स्टोर कहाँ देखा था, पर ये वास तो ये रहा। अब इसके लिए आई थिंक मेरे को कोई, दोनों वास वो रहे, ओके, तो मेरे को इसके लिए वेपन चाहिए ना। पर ओ माई गॉड भाई, अनोइंग बंदा, चढ़ ऊपर चढ़। अरे गन है उस पर, शुभम ऊपर चढ़, थैंक यू। आई थिंक मेरे को इसको ना कुछ खाना पीना डालना पड़ेगा, तब जाके ये उठेगा और यहाँ पे भी मेरे को कोई चीज़ मिलेगी मे बी। ओ व्हील चेयर, वॉट, अरे तुम में से किसका एक्सीडेंट हुआ था भाई। यहाँ पे क्रो बार भी चाहिए मेरे को। अरे ये कहाँ आ गया मैं, एन ओल्ड क्रिब, वो क्या चीज़ है, वो ट्रेन का व्हील होगा मे बी, मेरे को व्हील की भी ज़रूरत पड़ेगी शायद। वॉट इज़ दिस, अ शेड की, ये नीचे के लिए है, ले लेता हूँ मैं इसे एक्चुअली। वेट एंड बूम, ओके। अरे शेड की में ना तार जा रहा था, मे बी शेड में वो इनका मीटर वगैरह लगा हुआ है और मुझे वहाँ पे वो वायर लगाना है जो मेरे को पिछली बार मिला था, एंड तब इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी और फिर हम कुछ कर पाएंगे मे बी। वो अच्छा, वो स्नोरी, अरे वो सो रहा है भाई, यही मौका है। वेट, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ ना, शेड खोलते हैं सीधा, फायरवुड भी नीचे ही पड़ा है। अरे व्हाट आर यू सीरियस, मैं मर कैसे गया, कम ऑन, मेरी की भी वहीं गिर गई है, मेरे को दोबारा कितनी बार मरना पड़ेगा उस की के लिए। ये फायरवुड ही लेके चलते हैं भाई, देखते हैं आग से क्या होगा। अरे अगर ये मेरी जान छोड़े तभी तो। अरे यार देख लिया उसने, कम ऑन, क्या लग गया मेरा, हल्की सी नजर लग गई बस। अरे ये रही वेपन, ये रही, ओके मिल गया मेरे को, ये सेकंड फ्लोर पे है। अब मेरे को की लानी पड़ेगी ऊपर से, ऊपर है की। अरे ये रहा, वेट नहीं, ये नहीं है, वो ऊपर वाला है मे बी। बताओ वहां ट्रैप लगा रही है, बिल्कुल ही बावली है, वहां जाऊंगा भी मैं। दिमाग ही नहीं है, फिर भी बुली कर रहे हैं भाई दोनों मिलके मेरे को। ये इधर तो कहीं नहीं है, मेरे को वेपन की ले लेनी चाहिए, कहाँ पे थी ये रे। ये उठाऊंगा, आवाज होगी, दादी आएगी बगी बगी बावलों की तरह। इससे पहले पहुंच लूँ मैं यहाँ, नाइस। ओके वो हंस रही है, आई थिंक वी आर सेफ। खोलो भाई इसे, गिव मी दैट भाई, एक मिनट, ये मत बोलना इसकी एरो कहीं और से लेनी पड़ेगी। क्या है ये, ओ अच्छा स्टोन इसलिए चाहिए थे मेरे को और मैंने वेस्ट कर दिया एक स्टोन। अबे और ये भी बावड़ा है, तेरे को स्लिंगशॉट चाहिए हैं, अबे हाथों से फेंक के मार दे भाई, बिल्कुल ही रहटल ही है। वेट मैं फायरवुड लेने जाता हूँ, अब तो खैर डरने की जरूरत नहीं है मेरे को, दादी आती भी है तो। चल तेरी मरगी 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 तेरी, चली जाए यहाँ से, मारूंगा इतना। यार मुझे फायरवुड की जगह नहीं मिल रही, पर वो कहाँ गई वो प्लेस, वो पता नहीं कब तक गई है, इन्होंने लिखा हुआ भी नहीं दिया। अरे हट जा दादी, अरे दादा मर गया रे।
इन्होंने तो इधर से उधर से दबोच रखा है दोनों जगह से मेरे को। चलो ये सही है कि स्टोन इन्फिनाइट भी तो नहीं है ना, चार ही स्टोन मिलते हैं हमें मैक्सिमम और तीन मैं कैरी कर सकता हूँ। फायरवुड के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है ना। कहाँ से आ रही है आवाज़, ऊपर ही है क्या ये बेवकूफ ग्रैंडपा? यहीं तो था। नहीं यार यहाँ पे नहीं है, कहाँ गया फिर वो? नीचे वाली फ्लोर में है क्या? मुझे तो ये मिल ही नहीं रही है ये जगह। आई थिंक नीचे वाली फ्लोर में ही है। ओह माय गॉड कौन सा कमरा है वो? ये तो फर्स्ट फ्लोर है। व्हाट? अरे भाई दादी फंस गया मैं तो, मैं दोनों साइड से फंस गया यार। ये भाई इतने बड़े बुलीज है। या भाई हर बार अलग तरीके की डेथ। मैं चाबी छोड़ के गया था यहाँ। ओ माय गॉड तुमने इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी और मेरे को इतनी पजल्स दे रहे हो। गए भाई, बाय भाई। ये दादा को देखो भाई डांस कर रहा है। हमारा दादा पूरा स्वैगी हो रहा है भाई। ओके गाइस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। दादा दादी से मिलने का डिसीजन कुछ खास अच्छा नहीं था डेफिनेटली। इन्होंने पूरा बुली करके धर दिया मुझे। पर अब हमें सारे सीक्रेट्स पता हैं, हमें सारी जगहें पता हैं, हमें ये भी पता है हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए और कैसे निकलना है इस घर से। तो या हम लोग नेक्स्ट टाइम पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे और भाग के दिखाएंगे। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा। लीव अ लाइक ऑन द वीडियो अगर तुम लोगों ने इन्जॉय करी है ये वीडियो तो। और इसी के साथ मैं चला दादा दादी को पागल बनाने की प्रिपरेशन करने के लिए। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।